देश की पहली सरकार है ये। आग लगी, विकास के दावे किए गए, पर तीसरी मंजिल आग बुझाने के इनके पास संसाधन नहीं थे। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं शिवराज जी ने कमेटी घोषित कर दी, इन्होंने आग बुझाने के संसाधन दिल्ली से, सेना से और अदर जगह से नहीं बुलाया। पहले कमेटी, इनको पता था कि 15,000 फाइल जलेगी, 15,000 ही फाइल जली है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये चुनाव आते हैं और आग क्यों लगती है, और मध्य प्रदेश के सचिवालय में क्यों लगती है? 2018 में लगी, 2012 में लगी, क्या कारण है? मुख्यमंत्री के स्वेच्छा निधि के कागज जल जाते हैं, भर्ती घोटाला जल जाता है, स्वास्थ्य घोटाला जल जाता है। तो अल्टीमेटली ये जैसा कल प्रियंका जी ने कैंपेनिंग लॉन्च की और ये कहा ये घोटालों की पर्याय सरकार है मध्य प्रदेश की, वैसे ही आग लगा दी। इसका मतलब है एहसास हो गया हम जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है। तो कुल मिला के ये सीबीआई जांच का मामला है, कुल मिला के ये मध्य प्रदेश की, देश की जो मोदी जी की जो आंखें हैं वो दो तरीके से देखती है भ्रष्टाचार को, एक देखती है अपनों के भ्रष्टाचार को, एक देखती है विपक्ष के भ्रष्टाचार को। मैं मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी ईडी, सीबीआई, अदर्स एजेंसी, उनको इस सचिवालय की आग के पीछे लगाओ अगर आप में थोड़ी सी भी सच्चाई हो। और अगर आप जैसा आपने 9 साल चलाए हैं बायस्ड होके, तो मैं मानता हूं कि सारे कुएं में भांग घुली हुई है, पूरा पानी जहरीला है, आग लगी नहीं है, लगाई गई है। जो घोटालों की जांच आंच और लोक आयुक्त के अधिकारियों पर आने वाली कांग्रेस की सरकार की परछाई, उसको पहले ही आग के बहाने से सुहा कर दिया गया है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें जो है वो तीन एक्सपर्ट्स की कमेटियां अलग अलग अपना काम कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की है, एक ईएनएम विंग की है और एक फोरेंसिक की टीम है, और विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं। उनके जब तथ्य सामने आएंगे और जो बयान वगैरह होंगे सब लोगों के, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि इसके कारण क्या है। सर प्रथम दृष्टि क्या देख के लगता? प्रथम दृष्टि कुछ नहीं होता है। लगभग कितनी फाइलों को नुकसान हुआ है? लगभग कितनी फाइलों को? प्रथम दृष्टि देखो कुछ नहीं होता है, हमें जो काम सौंपा गया है वो उसको डेप्थ में जाके ही करेंगे, उसके बाद ही इन्फ्लुएंस निकालना ठीक रहेगा। तो अभी हमने शुरुआत की है, अभी 2 दिन और हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे, कल भी हम दौरा करेंगे इसके कुछ और एरिया का। हमने आज तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मंजिल का दौरा किया, जहाँ पर आग शुरू होने की आशंका थी, वहाँ के सैंपल्स लिए, वहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम अपना काम कर रही है। तो इसमें जो भी एक्सपर्ट्स के कमेटी के तथ्य आएंगे और बयानों में जो चीज़ें उभर के सामने आएंगी, उसके बाद ही निर्णय हो सकता है।